ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन अगर असल में क्वेश्चन नहीं है, एक मजाक है जो स्टूडेंट के साथ किया गया है, खिलवाड़ किया गया है स्टूडेंट के दिमाग के साथ। और किस तरह खिलवाड़ किया गया है वो आप सुनिए। हम लोग को क्या दे दिया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बना के वीडियो डाला है, आपको आई बटन क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा, वही क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। बस क्या किया है, यहाँ पे एक्स वाई जेड डाल दिया है, ठीक है। हम लोग और यहाँ पे एक्स वाई और जेड का वैल्यू दे दिया है। अगर हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये वही क्वेश्चन बन जाएगा जो मैं आई बटन पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। जो राइट हैंड साइड में आई बटन आ रहा है वहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। तो फिर भी मैं आपको एक बार पुट कर दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या बन जाता है। उसके बाद आगे का जो स्टेप है वो आप उस वीडियो में देखिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू 2 दिया हुआ है, वाई का वैल्यू 3 दिया हुआ है, जेड का वैल्यू 6 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? जिसको क्लियर, जिस जो क्वेश्चन देख कर खोला है उसका मतलब उसको कंफ्यूजन था, तो अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो देखिए आगे। देयर फोर, ठीक है, तो 3 रूट एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाई √3 प्लस जेड का वैल्यू है 6 यानी कि √6 माइनस 4, वाई का वैल्यू है √3, जेड का वैल्यू है √6 प्लस एक्स का वैल्यू है √2 प्लस जेड का वैल्यू है √6, एक्स का वैल्यू है √2, तो √2 हो गया, प्लस वाई का वैल्यू है 3, तो ये √3 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है ना जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, और इसका वीडियो पहले ही बना के डाला जा चुका है। इसके आगे का जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप जो है, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देखिए, ठीक है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तभी आपको कोई भी नया वीडियो झट से सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हैं तो वहाँ पर भी जाकर मेरे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और इसके अलावा और भी कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखना है तो हम मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दिया है उसको भी जाकर चेक करें।